जस्ट मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, बड़ी बड़ी कढ़ाई है और कई क्वांटिटी में चीजें बन रही हैं। यू लुक लाइक अ जैकलिन। सेक्स लाइफ को लेकर परेशान है ना, ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये देखो केले का साइज देख रहे हो। अगर आप यहाँ पे किसी लड़की से शादी करना चाहते हो कि प्यार हो जाए, लोग कहते हैं बड़ी बड़ी कंट्री जाना है, हमें अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। एक चीज बहुत गड़बड़ है, मैं आपको वो भी बता दूं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। तो सुबह सुबह हम आ गए हैं यहाँ पे फेमस बेस्ट कुजान, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं। अगर आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो, और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है एक्सप्लोजर के ऊपर, जो ऐप मैं आपको बता रहा हूँ सोनू सूद जी की है, मेड इन इंडिया है, और मैं इसको पिन करने वाला हूँ, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। क्लब्स गया था कल रात को, तो वहाँ पे मैं उस जगह को पिन कर रहा हूँ, तो आप अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो। इन फ्यूचर में मुझे फॉलो करते अगर डेफिनेटली आप वहाँ पे सीधा पहुँच सकते हो। आप भी चाहो तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप जहाँ जहाँ जा रहे हो उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप अपनी प्रोफाइल फोटोज वगैरह ऐड करते जाओगे ना, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और उनको कल को आप रिडीम कर सकते हो। बायो में मेरा प्रोफाइल लिंक डाउनलोड कर लो ऐप को। फिलहाल हम अंदर चल रहे हैं, यहाँ की फेमस बिरयानी खाने कैसे बनती है ये हमारा देखने का मकसद, और काफी बड़ा भी है। तो भाई ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है इसके अंदर बनता है। एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ इसकी चार ब्रांचेज है, और जो मेन ब्रांच है वहाँ पे बहुत बड़ी कढ़ाई है जहाँ पे बनाया जाता है, और अंदर शूट करना अलाउ है। यहाँ शूट करना अलाउ नहीं था, और भैया शूट करना अलाउ नहीं है तो भैया हमारा कोई काम नहीं है। तो हम जा रहे हैं दूसरे वाले पे जो कि पड़ता है टीवी टावर के पास। तो दोस्तों मैं अगर वैसे बात करूँ ना, देखो इसको वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है, एज कम्पेयर करेंसी के हिसाब से भी वॉल्यूम जो इसका है ना बहुत कम है, पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसका लाइफ स्टाइल है, जो यहाँ पे रहन सहन है, लोगों का लिविंग ऑफ कॉस्ट है, मतलब मुझे लगता नहीं किसी एंगल से ये कंट्री कहीं से भी चीपेस्ट यानी सस्ती है। हम जिस टैक्सी में घूम रहे हैं 13,000 में बुक हुई है, यानी 90 रुपए में। लोग यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे को एंजॉय करते हैं, फुल ऑन मस्ती चलती है, जाके चेक करो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो भैया मौज मस्ती करना है। यहाँ पे गर्ल्स भी बहुत ओपन होती हैं, आप जाओ एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में बात है तो भैया आपकी मौज है, मतलब इंडियन को देखते कहेंगे शाहरुख खान, सलमान खान आएंगे, चिपकेंगे फोटो वोटो खिंचवाओ। दोबारा आ गए बेस्ट कुजान, और ये है टीवी टावर के पास, जस्ट मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो। तो भैया हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखो जो कुछ बनता है ना ओपनली बनता है सब कुछ, जो कि लोग यहाँ रोटियाँ नहीं खाते, यहाँ खाते हैं ब्रेड्स, तो यहाँ ब्रेड्स भी ओपनली बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपनली बनती हैं। जो मेनली हम देखने आए हैं वो देखने आते हैं पुलाव, बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं और कई क्वांटिटी में चीज़ें बन रही हैं। ये देखो ये शायद चिकन मीट है, और सबसे बड़ा ये है कढ़ाया, ये देखो जी ये देख रहे हो भाई साहब कितनी बड़ी क्वांटिटी में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप आ सकते हो, शूट कर सकते हो, किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख रहे हो काफ़ी बड़े क्वांटिटी में अलग बन रहा है, देखो इस तरह से सर्व होता है, और यहाँ भी कुछ बन रहा है। ये देखो मीट बीफ लैम मिक्स है, ये इंडिया यस यस हाँ ताशकंद गुड वेरी ब्यूटीफुल पीपल्स आल्सो वेरी गुड इस्लाम नो नो नॉट इस्लाम हाँ हाँ ऑल एक वन सब भगवान एक भैया यही बोल रहे हैं वो तो ये देखो ये तैयार कर रहे हैं ये बिरयानी और ये देखो कैसे बन रहा है बड़े बड़े तंदूरों में काम हो रहा है ये खटाखट फटाफट बन रहा है छोटी छोटी कढ़ाइयों में अलग अलग चीज़ें बन रही हैं इंडिया तो भाई अगर आप आ रहे हो डेफिनेटली इसको इंजॉय करना तो बनता है ये ब्रेड्स जो है ना यहाँ की खास है लोग यहाँ रोटी नहीं खाते ब्रेड्स ही खाते हैं ये पूरा ऑलिव ऑयल में बनाया जाता है यार बढ़िया वाला अंदर चने वने पता नहीं क्या क्या है ये बता रहे पैकिंग करके लेके आएंगे ये और ये लुक लाइक है हमारे यहाँ की जैकलिन फर्नांडिस उसकी तरह लग रही है लड़की है ना हेलो यू आर उज़्बेक यू लुक लाइक इन इंडियन एक्ट्रेस सुपरस्टार व्हिच एक्टर शाहरुख खान यू नो जैकलिन यू लुक लाइक अ जैकलिन बॉलीवुड हीरोइन यस बात की जाए खाने की तो खाने के लिए देखो यहाँ पे ना ये उज़्बेकिस्तान की शानदार अलग अलग डिजाइन की जो प्लेट्स हैं इन्होंने एग्जैक्टली लगा दी हैं दीवार पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उसके अलावा सिटिंग एरिया देख सकते हो बहुत बड़ा है अंदर की तरफ भी है बाहर की तरफ भी है प्राइसिंग की बात कर लेते भैया मोटा मोटा समझ लो 34,000 सोम 32,000 सोम तो लगभग 350-350 रुपए की बिरयानी की प्लेट है यहाँ पे आती है चाय पहले ग्रीन टी व्रीन टी पता नहीं कुछ कहते हैं तो ये कुछ आ गया है और साथ में ये ब्रेड आती है और यहाँ पे एक स्कॉट टेम्पल भी है आपको फिर मंदिर दिखा रहा है भाई
मुस्लिम कंट्री में मंदिर होना है तो भैया घर वाली बात है, तो मैं कहा दिखाई देंगे लगे याद अगर आप कहोगे तो। आ गया ये अपना खाना भाई साहब, पहली बार खाने वाला हूँ घोड़े का मीट। मैंने कजाकिस्तान में खाना था पर नहीं खा पाया, पर टेस्ट कर लेते हैं, मंगाया तो, और रबर टाइप का है, नमकीन है इसमें, शायद इन्होंने पानी के अंदर रखा है नमकीन पानी के अंदर, पर इतना बुरा नहीं है, कुछ डिफरेंट है और फायदेमंद तो बहुत ज़्यादा है। जो लोग अपनी सेक्स लाइफ को लेकर परेशान है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब स्ट्रांग बनाने में। टेस्टी है, बढ़िया, ट्राई कर सकते हो, और कमेंट करके बताना किसी ने ट्राई करा तो वो भी बता देना। बटेर के अंडे देते हैं, ये राइस है जैसे कि मैंने आपको दिखाया कैसे बनते हैं, हमने ऊपर डलाया भेड़ का मीट, और ये जो आपको जो एक पीस नजर आ रहा है ना, ये घोड़े का मीट है, बढ़िया है, तो इसको खाते हैं फटाफट। मैंने एक्चुअली में किसी ना रिसेंटली एक ब्लॉगर का वो देखा था, वो कह रही थी भैया बिल्कुल टेस्टी नहीं है, ये वाकई में टेस्टी है, तो ट्राई जरूर करना अगर आप नॉनवेज खा लेते हो, और अगर आप नॉनवेज नहीं भी खाते हो तो सिर्फ पुलाव भी ले सकते हो, फटाफट खाते हैं और उसका निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन। बिल आया अराउंड 60,000 का, लगभग 400 रुपए का बिल आया है। बस अब यहाँ से निकल के चलते हैं, यहाँ एक पास में मार्केट है वहाँ चलते हैं। पीछे टीवी टावर नजर आ रहा है, जस्ट उसके सामने ही नीचे की तरफ है यहाँ, तो 100% रिकमेंड है। उसके अलावा यहाँ जेंडिक्स ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना टैक्सी के लिए, मैप वगैरह के लिए अगर बसेस रूट लेना है तो 2G है ये ऐप। नहीं ये नहीं आएगी। बसेस देखो यार कितनी लग्जरी है, मात्र 17,000 सोम लगेंगे आपके, आप कहीं भी उतर जाओ 10 रुपए के आसपास होता है, चाहे आप आखिरी स्टॉप पे उतरो, और सेम प्राइस मेट्रो का है, टैक्सी में भी जा सकते हो, टैक्सी बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। तो भैया टैक्सी का वेट करते करते बस आ गई हमारी फाइनल, तो हम बैठ गए हैं बस पे। मेडिकल स्टूडेंट है सारे, इंडिया ना टर्की ना ईरान, पहचान जैसा लगता है, पर चाइनीज चाय, इंडियंस बहुत चाय पीते, चाय पी पी के तो काले हो गए। तो भैया बस ने तो उतार दिया, और बस स्टेशन इतने बढ़िया है ना, ये देखो अंदर मार्केट बनी होती है और इस तरह से बैठने का होता है, तो भैया हम आगे बैठ गए, बाहर हो रही है बारिश। तो भैया अभी निकल के जा रहे थे ना, यहाँ पे मेरे को अचानक से ना एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ दिखी, और सारी ब्लैक, जनरली यहाँ पे दिखती है शेवरले, पर यहाँ देखो यार रोल्स रॉयल्स, टोयोटा की आपका कैमरी, जी वैगन, हल्का सा झलक मार ही देते हैं, मना करेगा तो आ जाएंगे, जी वैगन खड़ी है, माफिया वो एस क्लास खड़ी है, ओ भाई साहब सारी ब्लैक कलर की गाड़ियाँ, जबरदस्त, ये देखना क्या ही बात है। जनरली यहाँ पे ये गाड़ियाँ नजर नहीं आती इतनी आसानी से, और यहाँ जो रेंस है ना बहुत ही साफ सुथरा है, देखो माहौल बहुत ही प्यारा है, पीछे सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, नीचे सारा कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंशियल है, और ये इनकी जो ड्रेस होती है ना, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, पुराने पुराने जो लेडीज़ है ना वो ज़्यादातर इस तरह की ड्रेस पहनती हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, सर्विस लाइन बनी हुई है, पार्किंग सिस्टम बना हुआ है, हर एक चीज़ को वेल मैनेज किया गया है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ये बहुत अच्छी कंट्री है, मैं आपको बताऊँ तो लाइफस्टाइल बहुत स्मूथ है, रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है, और पोल्यूशन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो ये जगह वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी है। इन फ्यूचर में कोई प्लान होगा तो होगा, फिलहाल ज़्यादा पैसा होना चाहिए, इतना पैसा अपने पास नहीं है, बाकी जगह बहुत ही प्यारी है, लोग बहुत अच्छे, इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भैया फाइनली पहुँच गए एशिया के सबसे बड़े बाजार में, जिसका नाम है चरसू बाज़ार, महंगी और सबसे अमीर आदमी की गाड़ी जो टेस्ला है वो भी यहाँ पे आराम से हर जगह दिख रही है यार। यह BYD और वो टेस्ला, भाई साहब दोनों एक जैसी हैं। 5 से 7 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा बाजार, यहाँ पे आपको हर तरह का सामान, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास के जितने विलेज लगते हैं वहाँ के लोग अपना खाने पीने का सामान, जैसे हनी हो गया, तेल हो गया, सब्जी हो गई, वो लाते हैं यहाँ के बेचते हैं। वैसे मैंने पहले वाला व्लॉग में ही दिखा रखा है, पर थोड़ा दिखाएंगे उसका निकलेंगे आगे। और यहाँ से इस तरह से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, पूरी हट्स वगैरह लगी हुई है, हाल फिलहाल बारिश हो रखी है, इसलिए थोड़ा सा ना इस तरह से आपको A to Z चीज़ें सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आराम से, ब्रांड भी हैं, शोरूम भी है। उस साइड आगे पूरा रोड मार्केट लगी होती है, शाम के वक्त वहाँ का नज़ारा कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है, और ऐसे विलेज से लोग आते हैं, हेलो नमस्ते, इंडिया इंडिया, हाँ तो इस तरह से ना ये रहते हैं, इनका ड्रेस कोड रहता है, यू लुक, हाँ लुक ब्यूटीफुल, तो भाई ये देखो, हाँ थैंक यू, रख में तो भाई बड़े प्यारे लोग होते हैं, और इंडियंस को इतना ज्यादा पसंद करते हैं पूछो मत। ये देखो ये लाए हैं गांव से, पता नहीं भाई क्या है ये कोई मिश्री टाइप की चीज लग रही है, स्वीट टाइप का है, और ये देखो सेब देसी, अलग अलग वैरायटी के सेब देख रहे हो, 12,000 का बता रहे हैं, 80 रुपए किलो, मतलब ये लोकल वालों की मार्केट है, तो ये 12-13 हजार का, ये भी लगभग 80 रुपए के आसपास सेब है, केले कितने तकड़े हैं, केले का साइज देख रहे हो, ये पूरी फ्रूट मंडी है भाई। मेरे को कह रहे हैं ये कान में जो बाली पहन रखी है ना ये हराम है, भाई ने कहा सेब ट्राई करो, नमस्ते नमस्ते, चले थैंक यू। ये देखो कितनी अच्छी फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं, और यहाँ के लोग बिल्ली बहुत पालते हैं, हेलो इंडिया, हिंदू हिंदू, यस यस। तो भैया चरसू बाजार के अंदर ही साथ लगता है मेट्रो स्टेशन,
और यहाँ पे मेट्रो की टिकट भी उतरेंगी जितनी बस की है। आसपास सारी मार्केट इस तरह से ब्रेड्स वगैरह बिकती रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज आइटम ये वो लटरम पटरम कप प्लेट घर का ए टू जेड सामान सब कुछ मिलता है यार सब कुछ। भाई ताशकंद की ना बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो यहाँ आती है शॉपिंग के लिए। पता नहीं क्या बेच रहे हैं, वीट का है, भाई टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं पर मुझे सच में नहीं समझ आ रहा। बनाते ना वीट का गुड़ का हलवा टाइप उस तरह का कुछ बना रखा है। थैंक यू रख भाई। मैंने बताया आसपास के गांवों से लोग जो आते हैं ना खाने पीने का सामान, इवन घर से भी लोग ऐसी चीजें बना के ला के बेचते हैं, और ज्यादातर यह सामान है यहाँ लेडीज ही बेचती होती हैं। ये देखो ये भी ना गांव से ला के बेचते हैं, मिठाई है या बहुत ही टेस्टी होती है, ये भी लोग बहुत खाते हैं। ये देखो कुकीज ब्रेड्स वगैरह, तो ये अलग अलग अंडे अलग अलग वरायटी साइज के हिसाब से है। बाकी तो पूरी मार्केट है, चिकन विकन नॉनवेज वेज सब कुछ मिलता है यार, ये आइटमें भी मिलती हैं, बहुत कुछ मतलब हर एक चीज़, तेल पानी ये वो लटरम पटरम ये इस तरह से ट्रॉली होते हैं जो सामान को इधर उधर ले आने के काम आते हैं। फ्रेश फ्रेश सब्जियां बेचती हैं, सारी दादी दीदी काम करती हैं यहाँ पे सारी। मज़ा आता है ऐसी फ्रेश मार्केट में, लोकल मार्केट में घूमने का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। और ये पूरी बड़ी वाली मार्केट है, और आसपास ये पूरा राउंड में आप देखोगे ना आसपास सारी जगहों पे मार्केट ही लगी हुई है, अंदर नॉनवेज ऊपर ड्राई फ्रूट पूरी यही मार्केट है यार। आप अगर यहाँ आने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ दोबारा से भाई, यहाँ आना अगर आपको नहीं समझ आता तो एक्सप्लोरर ऐप के ऊपर मैं इसको टैग कर रहा हूँ, आप वहाँ जाके फॉलो कर लेना। और बहुत सारी जगहें जो ताशकंद की अगर आपने नहीं सुनी नहीं जानते तो वो भी जगहें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके अलावा बहुत सारे जो लोकल लोगों से अगर मिलना चाहते हो, जो और लोग यहाँ घूमने आए हैं उनको भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स बेनिफिट्स गिफ्ट्स वाउचर्स वो भी जीत सकते हो। तो भाई फटाफट डाउनलोड करो एक्सप्लोजर ऐप, जो कि मैंने लिंक बायो में दे रखा है, फटाफट जाओ और मुझे भाई को फॉलो कर लो। तो ये बंदा मतलब बाथरूम करने मेरे को कह रहा है, मैं जा रहा हूँ यहीं रहना, यहाँ कब बोल गया मुझे भी नहीं पता चला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वहीं आसपास ही घूम घूम के ना ब्लॉगिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी। रिकॉर्डिंग ये नहीं है, रिकॉर्डिंग ये है कि मैं उसी एरिया के आसपास घूमता रहा हूँ और मैं 15-20 मिनट रहा हूँ, और ये बंदा कह रहा है सुसु करके एक मिनट में आ जाता है, एक मिनट में, और ये अब मुझे यहाँ मिला, और उसके बाद यहाँ भी ना इसका नंबर नहीं चल रहा। बाकी देखो मजेदार मार्केट है, घूमना मस्ट है, पर ये कि हमने तो पहले भी देखी हुई है एक्जैक्टली, पूरा आपने घूमना चाहते हो तो मेरे पहले वाला चरसू बाजार की मार्केट देख लेना, मैं आपको ऊपर ऊपर से घुमा रहा था, अभी हम चल रहे हैं अपने बंदे के पास। और दूसरी बात आपको एक चीज़ मजेदार और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, यहाँ लोकल आदमी लड़की से शादी करता है, सारा खर्चा ना लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले एक रुपया खर्चा नहीं करते थे, ये मुझे बात उसी ने बताई है इंडियन ने, क्योंकि उसने कहा भैया मैंने खर्चा करा है। इतना खूबसूरत प्याज है ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं अपने इंडिया में ऐसा खूबसूरत प्याज फिनिशिंग वाला नहीं देखा सच्ची में। भाई साहब देखो कितनी खूबसूरती है इन टमाटरों में कि प्यार हो जाए, देख रहे हो टमाटर लाल लाल इतने जबरदस्त कि कितनी खूबसूरत है यार, इतनी फिनिशिंग के साथ, जो एग्जैक्टली पता कौन से वाले टमाटर है जो हम ड्राइंग नहीं करते, ड्राइंग वाले इंडिया वाले हैं। ईद की तैयारी करने वाले हो क्या, रमजान की तैयारी, शॉपिंग शॉपिंग के लिए आए हो, कहाँ कहाँ से हो? केरला से हो, चलो मेडिकल स्टडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर, बच्चे नए नए स्टूडेंट हैं, चलो बेस्ट ऑफ लक, चलो भी एजुकेशन के लिए। बाकी ठीक है यहाँ का माहौल? अभी थोड़ा टाइम पहले बर्फ पड़ी थी, इंजॉय करा? चलिए बढ़िया है, मेडिकल स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं। भाई फाइनली डेढ़ दिन बाद धूप निकली और हमने निकाल लिया अपना चश्मा। भाई देखो मैंने अंदर तो आपको दिखाया, बुजुर्ग काम करते हैं यहाँ, देखो छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। यू आर स्टडी इन स्कूल? ये देखो ये भी छोटा सा, वो भी छोटा सा। तो भैया फाइनली हमारे भाई साहब हमें मिल चुके हैं, रमन भाई, अभी वापसी आ रहे मार्केट के अंदर, अभी हम साथ में ही थे क्लब में, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो। रमन भाई को हो गए हैं यहाँ पे ताशकंद के अंदर 9 साल। मन कैसे बन गया, मतलब बिजनेस के तौर पे बन गया या लड़की के तौर पे बन गया? बिजनेस के तौर पे बन गया, पर जो आपकी जो वाइफ है जो कि कजाकी है, जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर मिली है, तो इन्वेस्टमेंट करने का कब सोचा कि मेरे को यहाँ घर लेना चाहिए? अब जब यहाँ रह रहे हो तो घर तो होना चाहिए, किराए पे कब तक रहोगे? अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे आपको तो बिजनेस करा है और वाइफ मिल गई और सेटल हो गए, अगर नॉर्मली बंदा आके यहाँ काम धाम करना चाहे तो क्या ऑप्शन है? तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे तो हो जाएगा, पूरा गवर्नमेंट की साइट है उसको चेक कर सकते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है? बिजनेस। और किस तरह के बिजनेस यहाँ अच्छे चलते हैं? यहाँ पे यहाँ तो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल की करते हैं। तो छोटा सा इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों के लिए थोड़ा, के लोग कहते हैं अभी बड़ी बड़ी कंट्री जाना है, हमें अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो भाई ने यहाँ पे 9 साल के अंदर कहाँ स्टैंड कर लिया अपने आप को, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। ये सारा चरसू बाजार के आसपास ही इतनी सारी मार्केट है, तो भैया शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई हम आ गए हैं समोसा खाने, यहाँ की फेमस डिश है, बेसिकली ये पैटी होती है और पैटी के अंदर अलग फ्लेवर होते हैं, इसमें वेज भी होता है ना कई बार। तो भैया ये फेमस रेस्टोरेंट था जैसे कि दिखाया, ये देखो गरम गरम समोसा, समोसा ऐसे बनता है और ऐसे निकाल देंगे। भाई बहुत खूबसूरत सा टाउन है, इस टाउन का नाम क्या है?
ये सारा चारसू है और ओल्ड घर बने हुए टाउन है। देखो घर जो बने हुए हैं बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपको इस जगह की इस तरह की वाइब्स लेनी है, फीलिंग एशियन टाइप की, तो बहुत ही प्यारे घर हैं। बढ़िया है यार, मैं इस तरह का ना मैंने समरकंद और बुखारा के अंदर देखा था। तो कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ती है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, पेट्रोल बहुत सस्ता है, फूड देखो यहाँ का अगर आप लोकल खा लेते हो तो सस्ता है। अदरवाइज आप इंडियन हो और इंडियन फूड खाने जाओगे डेफिनेटली वो महंगा मिलने वाला है। 200-250 रुपये में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। लोग बहुत अच्छे हैं, इंडियंस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि पूछो मत। छोटे छोटे बच्चे, हेलो, देखो लोकल लोग घर, रोड है, गार्डन है, सर्विस लाइन है, हेलो हेलो। चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से बनी हुई है यहाँ पे। हेलो, बच्चे को बच्चे लेके घूम ले, गुगली पुगली, ध्यान से बेटा। और मौसम इस वक्त इतना प्यारा है, मार्च का है, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही यहाँ पे स्नो पड़ी है, माइनस में टेम्परेचर था। और पेड़ देखो पतझड़ हो रखे हैं। मैं आपको कुछ गलत नहीं कहूँगा कि भैया नाइट लाइफ है, पर उस लेवल में मत सोचना। पर अगर आप अच्छी वाइफ चाहते हो, नई कंट्री चाहते हो, सस्ते में घूमना चाहते हो, क्योंकि इंडिया से रिटर्न फ्लाइट आपको 17-18 हज़ार में मिल जाएगी, वीज़ा आपको 1800-2000 में मिल जाएगा, बाकी रहना खाना घूमना मतलब ऑल ओवर पैकेज की बात करूँ तो लगभग 35-36 के मैक्सिमम 40 हज़ार में पूरा घूम के चले जाओगे, तो और क्या ही चाहिए भाई। और हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। और इंडिया की तरह एक डिफरेंट चीज़ दिखी है यहाँ पे, क्या दिखा है भैया? कबाड़ी वाले, कबाड़ी ले लो भाई साहब, यहाँ पे कबाड़ी शॉप भी है। वाओ, यहाँ भी लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग है ना, क्या बात है यार। डेवलप भी है, पुराना भी है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, लोग साफ सुथरे नजर आते हैं। पर एक चीज़ बहुत गड़बड़ है, मैं आपको वो भी बता दूँ, यहाँ की जो पॉटी है वह जेट यूज़ नहीं होता, तो आपको वहाँ पे ना एक पानी की बोतल का इंतजाम भी करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत गंदी है यार। देखो कितने खूबसूरत घर हैं यार, बढ़िया यार, मज़ेदार भाई। ये देखो ये फ्लैट्स, इनकी पार्किंग शेड वाली। रोहित भल्ला अमृतसर से फूड ब्लॉगर हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, और ये भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई को सपोर्ट करो, देखो क्या कंटेंट बनाते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई को मेरे थ्रू कौन कौन गया है। भैया ये स्टोर की कोई खास बात है क्या? ये सारी चैन है इनकी पूरी, जैसे इंडिया में चैन है, बिग बाजार की चैन होती थी। हाँ, BYD का शोरूम है, BYD गाड़ी कितने स्टार्ट होती है यहाँ पे? भाई हमारे यहाँ पे BYD गाड़ी लॉन्च हुई है 50 लाख से, और ऊपर पूरा मॉल है, पूरी मार्केट है, ये देख सकते हो। तो भाई BYD का शोरूम दिख गया, तो BYD की गाड़ी अभी अपनी लॉन्च हुई है, देख के आते हैं BYD में क्या रहता है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर SUV चलती है, हमारे इंडिया में कौन सी लॉन्च हुई है मुझे याद नहीं है, पर ये देखो ये कोई SUV का मॉडल है, और इसके प्राइसिंग ये लिखे हुए हैं 3,87,00,000 की, और टॉप मॉडल 4 करोड़ का। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर शायद ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है BYD का, SUV पोर्शे की कॉपी है भाई, मतलब इतने सारे मॉडल हैं गाड़ी के, वाओ क्या ही लग्जरी है यार गाड़ी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। स्क्रीन साइज़ देखो, सनरूफ देख लो यार, क्या ही ज़बरदस्त है, देख रहे हो, गाड़ियाँ बहुत शानदार है यार, मज़ा आ गया। इलेक्ट्रिक है सारी गाड़ियाँ, ये वो 4 करोड़ की, 4.25 करोड़ की, जैगवार की कॉपी लग रही है भाई, मेरे ख्याल से इंडिया में यही वाली लॉन्च हुई है। आप बताने यार कौन सी लॉन्च हुई है, मुझे तो आइडिया नहीं है। ये वाली 3 करोड़ की है। तो भाई को हमने बहुत परेशान कर लिया, बस कल हम निकल के दूसरी जगह जाने वाले, इसलिए अलविदा कर रहे हैं। बाकी अब हो सकता है दिल्ली आना होगा, दिल्ली मुलाकात, दिल्ली पक्का मिलते हैं। चलो जी, तो भाई इस वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, तो भैया प्लीज़ लाइक कर देना और भाई को फॉलो कर लेना एक्सपल्सर पर जाके फटाफट। तो जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बरसाते रहो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय। I feel like I'm losing my mind.